दोस्तों, उम्मीद है अब तक आपको आलियान की एग्जाम्पल देख के प्रोफाइल क्रिएशन और इफेक्टिव प्रोफाइल की इफादियत की समझ लग गई होगी इट इज वेरी इंपॉर्टेंट टू फॉलो द फुटप्रिंट्स ऑफ आलियान नॉट जस्ट बिकॉज ही इज़ सक्सेसफुल बिकॉज ही हैज डीबग द मिथ, व्हाट इट टेक्स टू क्रैक यू नो चूज यू एज a freelancer फॉर their वर्क आई थिंक दिस इज़ वेरी important kalyan ने बड़ा कैलकुलेटेड तरीके से अपनी प्रोफाइल बना के हमें दिखाया अब हम बात करते हैं आलियान की एग्जांपल लेते हुए कि प्रोफाइल के अंदर गिग के अंदर क्या चीज़ें होनी चाहिए चीज़। तो आके देखते हैं कि जनाब आलियान चौधरी ने फाइबर के अंदर गिग में क्या चीज़ रखी हुई है कि एम्प्लॉयर धड़ा धड़ दार हज़ारों के हिसाब से डेली उनकी गिग्स खरीदते हैं उनके प्री ऑर्डर्स बहुत ज़्यादा हैं उनको प्रोफाइल फीडबैक फाइव से नीचे को देता नहीं ऐसी क्या उनकी प्रोफाइल में आ, और उनकी गिग में चीज़ें हैं जो एम्प्लॉयर को एक्साइट करती हैं देखते हैं आइए अब हमने प्रोफाइल के बाद गिग पे क्लिक कर दिया मैं एक गिग देख रहा हूँ आपके सामने स्क्रीन में आलियान चौधरी की गिग नज़र आ रही है इस गिग में ऐसी क्या मैं वर्ड यूज़ करूँगा गिदड़ सी है जिसकी वजह से नौ हजार नौ सौ बानवे फीडबैक आई हुई है जनाब आलियान को सेवन जीरो एट थ्री टाइम एम्प्लॉयर्स ने इस गिग को फेवरेट किया हुआ यानी कि बुक किया हुआ है कि आइंदा जब वो फाइवर पे आए तो वो बुक मार्क सामने नजर आ जाएगा और वो आलियान की गिग खरीद लेंगे और जनाब आली ओवरऑल इस गिग में क्या चीजें हैं जो कि इसको स्टैंड आउट कराती हैं जो कि इस गिग की वजह से आलियान चौधरी को फाइवर सुपर सेलर बनाती हैं वो क्या चीजें हैं जनाब यहां पे आप जब आते हैं इस फ्रंट पे तो इट शोज एन इमेज एन इमेज इज वर्ड वर्ड्स और ये ही पिक्चर की वर्थ है किसी सियाने ने बड़ी खूब बात की है कसम से मैंने नहीं की किसी सियाने ने की है लेकिन यहां पे जो बात जरूरी है वो ये है कि इमेजेस यूज करते हुए सेल्फ प्रमोशन करते हुए एम्प्लॉयर इज हायरिंग यू

और दूसरी पिक्चर में लिखा हुआ है एरर फिक्स बग फिक्स क्लीन घंटे के अंदर लो जी ये चार वर्ड्स मुझे एज एम्प्लॉयर बताते हैं कि गिग करती क्या है और इसमें क्या मुझे मिलेगा कि मुझे 24 घंटे की टर्न अराउंड टाइम पे वर्डप्रेस के जो एरर्स हैं वो क्लीन हो जाएंगे और वो बग्स जो हैं वो फिक्स हो जाएंगे और अगर कोई थीम में एरर है तो वो भी फिक्स हो जाएगा दिस इज इन द गिग टाइटल इज वेरी इंपॉर्टेंट अगर आपका टाइटल वो नहीं बताता कि आप काम क्या करने जा रहे हैं या क्या गिग ऑफर कर रही है तो भाई आपकी गिग को कौन खरीदेगा सी ही सेज आई विल फिक्स सेगस कॉमा एरर्स और इशूज अब जब आप सर्च करेंगे तो आप ये लिखते हैं ना फिक्स वर्ड प्रेस फिक्स बग्स फिक्स इशूज वो तीनों चीजें इसने टाइटल पर कवर कर ली हैं कितनी इंपॉर्टेंट साइंटिफिकली कैलकुलेटेड तरीके से आलिया ने टाइटल की इफादियत को समझा और गिग में प्रमोट कर रहे हैं। नीचे स्क्रॉल डाउन करेंगे तो ही इज़ ऑफरिंग जनाब प्रीमियम दो डॉलर पांच बग्स वेबसाइट की स्पीड ऑप्टिमाइजेशन छह दिन की प्राइस मुमकिन है अलग हो और तीन दिन की प्राइस एडिशनल हो जाती है वो 495 हो जाती है तो मैं वापस छह दिन पे आऊंगा तो ऊपर आप देखेंगे 295 हो जाएगी थ्री डेज की जो प्रीमियम प्राइस है वो इन्होंने टू हंड्रेड डॉलर कर दिए एडिशनल कि अगर आपको जल्दी चाहिए काम ठीक है भाई छह दिन का काम मैं तीन दिन में खत्म कर देता हूँ मेरी एडिशनल प्राइस टू हंड्रेड डॉलर है स्टैंडर्ड सत्तर डॉलर का है जनाब उसमें ये डिस्क्रिप्शन वगैरह ये सब दे रहे हैं चार दिन की प्राइस अलग है एक दिन की प्राइस में तीस डॉलर ऐड हो रहे हैं फिर जनाब इनकी बेसिक पैकेज है जो कि पच्चीस डॉलर का है उसमें तीन दिन की प्राइस अलग है एक दिन में पंद्रह डॉलर ऐड कर रहे हैं नीचे स्क्रॉल करेंगे तो अबाउट दिस गिग लिखा हुआ जनाब इज वेरी इंपॉर्टेंट अब आप यहां पे देख रहे हो कि वो कहता है फील फ्री टू प्लेस एनी ऑर्डर विद कॉन्फिडेंस और सब कुछ और नीचे वो कह रहे हैं आई कैन इमेजिन सिर्फ साइंटिफिकली तरीके से आलियान बता रहा है सब वही बातें करते हैं बट द वे ऑफ राइटिंग द डिस्क्रिप्शन इज लाइक टेलिंग सम वन स्ट्रेट ऑन देर फेस के भाई मैं करता क्या हूं और मैं क्या कर सकता हूं आपके लिए आई कैन मैं कर सकता हूं

विदाउट एनी नेगेटिव फीडबैक इज दैट अमेजिंग दोस्तों अब यह प्लस पॉइंट्स बता रहे हैं अपने कि आप मुझे क्यों चूज़ करें मेरी गिग को क्यों हायर करें मेरे अंदर क्या खसूसियात हैं मेरे अंदर क्या क्वालिटीज़ हैं स्पीड की बात कर रहे हैं क्वालिटी की बात कर रहे हैं टर्न अराउंड टाइम की बात कर रहे हैं और सबसे इंपॉर्टेंट बात कस्टमर सर्विस की बात कर रहे हैं सो दैट इज़ वट इट्स इज वाई हायर मी अभी भी बात ख़त्म नहीं हुई नीचे फ्रीकवेंटली आज क्वेश्चन अलग हैं जो सवाल हैं उनके जवाब भी हैं मिसाल के तौर पर जनरली इनको हायर करने से पहले लोग ये सवाल पूछ सकते हैं कि यह आप पी एच डी को आ, कस्टम थीम में कन्वर्ट कर सकते हैं सो फर्स्ट क्वेश्चन इज डू यू ऑफर पी एच डी टू कस्टम थीम इसको मैं ड्रिल डाउन करूँ तो इसका जवाब भी है यस आई डू प्लीज इन बॉक्स मी फॉर अ कस्टम ऑफर मैं बिल्कुल ये काम करता हूँ लेकिन इसकी प्राइस उन पैकेज में इंक्लूड नहीं है कस्टम प्राइस में आपको दूंगा आप मुझे इनबॉक्स करें अगर किसी को पी से वर्डप्रेस थीम बनवानी है तो जाहिर है वो फिर इनको इनबॉक्स करेगा ये आपस में प्राइस तय करते हैं और उसके बाद मामला तय पाने के बाद काम होना शुरू हो जाता है एफ तो की इम्पोर्टेंस समझिएगा गिग के अंदर और मैं ये भी चाहता हूं दोस्तों कि आप आलियान की इस गिग के बाद किसी और की रैंडम गिग देखिए आपको फर्क साफ जाहिर है समझ लग जाएगा नीचे जनाब आते हैं तो इस पर आलियन का कोई कमाल नहीं है ये वो फीडबैक है जो उनको उनके पुरानी गिग्स पर मिली है और ये इम्प्लॉयर को इनक्रेज करती हैं कि हाँ वाकई भाई इस बंदे को बहुत अच्छी फीडबैक मिली है मैं ऐसी गिग देखूंगा एक मिनट नहीं लगाऊंगा और मैंने खड़क करके कॉन्टैक्ट मी के बटन पे प्रेस कर देना है और कहना है आलियन भाई मुझे ये काम है इतनी देर में चाहिए प्राइस बता दो अगर पैकेज में इंक्लूड हुई तो सौ बीस में ना हुई तो ऑफलाइन डिस्कशन होकर प्राइस डिटर्मिन हो जाएगी दिस इज हाउ यू साइंटिफिकली अट्रैक्ट एम्प्लॉयर्स टू कॉन्टैक्ट यू अट्रैक्ट एम्प्लॉयर्स टू परचेज यूर गेग दिस हैज नॉट हैपन्ड ओवर नाइट पर आपके लिए हो गया आलियान को बहुत टाइम लगा हशाम को समझाने में बहुत टाइम लगा हमारी फ्रीलांसिंग के दस दस साल हो गए आपको एक वीडियो के थ्रू ये सब कुछ फ्री में सीखने को मिल रहा है अपॉरचुनिटी ज़ाय ना करना आगे देखते हैं कि प्रोमोशन कैसे होती है फाइवर की गिक्स की